चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। मैं बजरंग दल से हूँ, बजरंग दल से हूँ। जो भाई साहब बोल रहे हैं बहुत सच बोल रहे हैं। भाई साहब ने क्या कहा, सुना? भाई साहब मैं थोड़ा दूर से सुन रहा, थोड़ा सुना नहीं मेरे पास, लेकिन सुन क्या जरूर मुझे। जय श्री राम का नारायण जानता, हम हिंदू है, हम तो कट्टर हिंदू है, हम जय श्री राम का नारायण बढ़ाने जा रहे हैं। अजीत पवार पर कितना आरोप था, शिंदे पर कितना आरोप था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सरकारों को तोड़ने का पूरे बेटे तोड़ने का काम किया, तैसे उनकी पार्टी में आए बीजेपी में, वो ईमानदारी के वॉशिंग मशीन में धुल के बिल्कुल पवित्र हो गए। अगर हमारे पास पैसे नहीं है हमारी खेती खत्म होगी, मोदी जी ने हमारी खेती छीन ली क्या? यहाँ तो बाबा का बुलडोजर है, उसी दिन अगला दिन तो लगता ही नहीं, उसी दिन उसका इलाज होने का काम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलेंगे, विकसित भारत बनाएंगे 2000। अच्छा। अगर सरसा वैसे सहारनपुर हाईवे पर चलेगा ना तो डॉक्टर का जाना पड़ेगा पहले, खटनू कुत्ते की मोदी की गारंटी और चाइना का सामान बराबर है। एक पीढ़ और बता दूं, इनके राज में शिक्षा का इतना बुरा हाल कर दिया, प्रिंसिपल के पास जाओ कि किताबें लेनी पड़ेंगी आपको कहाँ से, स्कूल से, ड्रेस लेनी पड़ेगी स्कूल से, और सर एजुकेशन पाठ्यक्रम से मिलेगी। इस वक्त दी ललन टॉप की टीम सरसावा में है, जो लगता तो सहारनपुर में है, लेकिन लोकसभा सीट पड़ती है कैराना। कैराना वो सीट है जो अक्सर चर्चा में रहती है, पलायन की वजह से चर्चा में रहती है, ध्रुवीकरण की वजह से चर्चा में रहती है, टेंशन की वजह से। 2014 में यहाँ दंगे भी हुए थे। तो हमारे साथ कुछ लोग इकट्ठा हैं, वैसे इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो एक ही परिवार से हैं, लेकिन एक भाजपा सपोर्टर है, एक सपा के समर्थक है, एक कांग्रेस समर्थक है और कोई बसपा। तो हम इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर इनके लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, इस बार ये किसको जिताने वाले। भाजपा की तरफ से प्रदीप चौधरी मैदान में हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि जो इस बेल्ट में लगने वाले राजपूत समुदाय के लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं। सपा और कांग्रेस गठबंधन में है, तो ये सीट सपा के खाते में गई है, जिसपे इकरा हसन चुनाव लड़ रही हैं, जो 28 साल की हैं और बड़ी चर्चा में है, जिस तरह से वो जाके हिंदू बहुल इलाकों में रोज़े खोल रही हैं और जो गुर्जर वोट है, जाट वोट है, इनको लुभाने की कोशिश कर रही हैं। और बसपा की ओर से श्रीपाल राणा जी हैं, श्रीपाल राणा जी बसपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो किससे पहले बात की जाए, आपके ही पास आए पहला नंबर? हाँ, जो जो विरोध विपक्ष में रहते हैं उनको पहले थोड़ा ज़्यादा मौका दे देना चाहिए, है ना? बताइए सर, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम नरेशचंद जैन है, DC जैन इंटर कॉलेज से मैं रिटायर हूँ। अच्छा, हम प्रोफेसर थे? मैं हेड क्लर्क था। अच्छा, तो बताइए सर, इस लोकसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर आप लोग वोट करने जाएंगे? इस लोकसभा क्षेत्र के जो मुद्दों की चर्चा हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम वो चर्चा करते हैं जो 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों के माध्यम से लोगों को चर्चित किया था। उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपये में काला धन लाकर हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के खाते में जमा कराने का काम करूँगा। 2014 से लेकर 2024 अब चल रहा है, आज तक किसी के कोई खाते में कोई रुपया नहीं आया है। दूसरा बिंदु उनका ये था, उन्होंने अपनी भावनाओं में व्यक्त किया था कि मैं गरीबी हटा दूंगा। बताइए कहाँ गरीबी हट रही है, गरीबी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कैपिटलिस्ट तो बढ़ते जा रहे हैं, गरीब लोग घटते जा रहे हैं। डालमिया, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये सब कहाँ पहुँच रहे हैं और हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। मैं अपनी ही व्यापार की बात करता हूँ, व्यापार बहुत कम मात्रा में रह गया। मोदी जी कहते थे कि मैं किसानों की आय को दुगनी कर दूंगा, 14-10 साल बीत गए हैं, आज तक दुगनी आय तो हुई नहीं। ये तो बहन कुमारी मायावती थी जिसने 2007 से 2012 तक गन्ने का रेट किसानों की मदद करते हुए, किसानों को सहयोग करते हुए, किसानों के दर्द को समझते हुए 2007 से 2012 तक गन्ने का रेट दुगुना किया। आज 5 साल समाजवादी पार्टी के भी बीत गए, 5-6 साल बीजेपी के भी बीत गए, आज भी गन्ने का भाव वही है जो जहाँ से कहा थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है, इसलिए वो भी किसानों की आय दुगनी नहीं कर सके। वो कह रहे थे कि हम नारी को बहुत सशक्तिकरण, नारी की सुरक्षा करेंगे। मैंने जब अखबार पढ़ा तो मैंने देखा मणिपुर में क्या हुआ है, किस तरह नारी का असम्मान किया गया है। फिर जो हमारी गेम्स की खिलाड़ी महिलाएँ थी उनके साथ क्या व्यवहार किया गया। तो जब जब हम उनके मुद्दों की बात करते हैं, एक देश का राजा, एक देश का प्रधानमंत्री, जब उसकी वाणी में ही सत्यता नहीं है, तो हम लोगों के मन में परिवर्तन आया और हम लोगों ने बिल्कुल तय कर लिया, इस लोकसभा सीट से हम श्रीपाल राणा जी को भारी मतों से जिताकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के मंदिर में
भेजने का काम। बहुत बढ़िया। और सर पूरी बात नहीं हुई है। फिर मुझे काउंटर करना याद नहीं रहेगा ना, आप इतने सारे पॉइंट्स एक साथ बोल देंगे। तो एक छोटा सा पॉइंट बस मैं कह देती हूँ, आप बसपा के समर्थक है, बसपा की बात कर रहे हैं। आज हम जब आपके सहारनपुर क्षेत्र में घूम रहे थे तो जो बीएसपी के कोर वोटर्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे लिए तो बहन जी से ज्यादा अच्छे चंद्रशेखर हैं, कम से कम सुनने तो आ जाते हैं, दुख दर्द में पहुंचते हैं, बहन जी तो आती ही नहीं है। आपने ठीक प्रश्न किया, वो बहुत चंद लोग हैं। मैंने इस चुनाव में लगभग 35 गांवों का भ्रमण किया, 4 दिन से लगातार अपने शिवपाल राणा जी के बेटे के साथ मैं 35 गांवों में गया और दलित लोगों से मेरी बातचीत हुई है। दलित लोगों में इस कदर उफान है कि हमें तो हाथी के अलावा कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। मैं राजपूत समाज के गाँव में भी गया, वहाँ से राजपूत समाज के प्रत्येक बच्चे की आवाज़ थी, बड़े की आवाज़ थी, वृद्ध की आवाज़ थी कि हम आपके शिवपाल राणा को भारी मतों से जिताकर भेजने का काम करते हैं। अन्य जातियां जितनी सर्व समाज की जातियां हैं उन जातियों के मन में भी ये भावना बनती जा रही है, अगर आपके किसी को जिताना है तो शिवपाल राणा को जिताकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजने का काम करना है। ठीक है, बसपा वालों की बात हो गई, अब यहाँ जरा भाजपा वाले हैं, ये तो आरोप लगा रहे हैं कि कहाँ नारी सुरक्षित है, मणिपुर से लेके दिल्ली में आप पहलवानों का प्रदर्शन देख लीजिए, क्या कर रहे हैं ये महिलाओं के साथ, कहाँ गया वो 15 लाख जिसका वादा किया गया था। एक गांव में कहावत है खिजानी बिल्ली खम्बा नोचे, हमने 2019 में दिखाया कि बसपा के बारे में तो कोई बात करके समय खराब करने वाली बात है। मैं दावे से कह सकता हूँ इस बात के लिए विधानसभा में 1 लाए थे, अब की बार शून्य से कि पीछे भी अगर कोई शून्य होगा तो बसपा की स्थिति रहने वाली है। और आपने कही बात भाजपा की, हमें राष्ट्र को अच्छा ऊँचा दिखाने के लिए, और ये जो चर्चा चल रही है, एक हो गया बसपा की स्थिति में मैं कह चुका हूँ 2019 के विधानसभा में कितनी सीट आई, एक, अब जीरो। अगर जीरो से पीछे कोई संख्या होगी उसके भी कहना तो कथित सोक्ति नहीं होगी। एक है ठगबंधन से हमारी प्रत्याशी है सब इकरा सर। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूँ कि हमारा प्रदीप चौधरी यहाँ से 2 लाख वोटों से अधिक से जीतेगा। अब उसके रीजन सुने आप, अभी मेरे मामा जी कह रहे थे कि महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ, कहाँ महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ, किस जगह महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ। और अगर ये जातिवाद का नारा देते हैं, आप ये बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना चलाई, मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो हमारे पर आरोप लगाते हैं कि हम जातिगत की राजनीति करते हैं, हमारी सरकार ने 70% दलित और मुस्लिम को आवास योजना दी है। आज अनाज मिल रहा है तो वहाँ को ये मान के नहीं मिल रहा है कि ये हमारा भाजपा का वोटर है। हमारे नेता ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारा अनाज गेहूं आटा सब दिया जा रहा है। तो ये तो कहीं ठहरेंगे नहीं, लोगों ने जनता ने इनका कार्यकाल नहीं देखा, फिर हमारा कार्य सभा का देखा, उसके बाद हमारा देखा। हम तो अपनी वोट अपने कार्य के ऊपर मांग रहे हैं, अगर हमने इस देश का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है तो निश्चित रूप से भारत की जनता एक वोट आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल पर लगाएंगे। और हमने पहले भी 92,000 से वोट जीती थी, अब 1,92,000 से निश्चित रूप से हम यहाँ से जीते जा रहे हैं। अच्छा, इधर सपा वाले, आपने इनकी बात ध्यान से सुनी, अमर जैन साहब कह रहे हैं नारी का सम्मान, अभी पिछली 2 महीने पहले अभी 3 बीजेपी के जो नेता थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में जाके वो वर्किंग की है, उन्हें बलात्कार किया एक लड़की का, आपको भी याद होगा। अब उसमें देख लीजिए कितने बलात्कार हुए, आप रिपोर्ट निकाल लीजिए। नारी का सम्मान कहीं नहीं कर रहे हैं लोग, एक इनका घोसला है, कुछ नहीं है, नारेबाजी है, जुमलेबाजी है। अब जुमलेबाजी में सबसे आगे हैं लोग, अब जुमलेबाजी में देख लो मोदी जी ने किया क्या जुमले दिए, एक भी पुराने किया। अब नाच की बात कर रहे हो, नाच से विकास नहीं होने का, नाच से गरीबी नहीं जाने की। आप लोगों को रोजगार दीजिए, आप उन्हें उद्योग दीजिए, आप तब जाके तो लोगों का विकास होगा, गरीबी कहाँ जाएगी। तो हम 5 किलो अनाज में क्या गरीबी चली जाएगी, गरीबी और बढ़ेगी। उन लोगों को निठल्ले कर रहे हैं लोग, थलवे बना रहे हैं लोग, नाकारा बना रहे हैं। वो क्या करते हैं 5 किलो अनाज ला के दुकान में बेचते हैं, दुकान बेच के वो फिर खर्चा चलाते हैं अपना, फिर नौकरी पर नहीं जाते, तनख्वाह नहीं जाते, मजदूरी करते हैं। तो ये मामला बीजेपी का है, बीजेपी कहाँ, बीबी ने देश का नाश कर दिया है। अब चीन देख लो कहाँ पर बड़ा है, 20-25 किलोमीटर हमारी जमीन दबाए हुए हैं उन्होंने। अब मोदी जी बोलते नहीं, राजीव नहीं बोलते, विरोध नहीं करते। मोदी जी तो कहते हैं ना कोई घुसा है ना घुसेगा, कहाँ घुसा है, घुस नहीं गया, अभी चीन घुसा हुआ है, आपको पता है 20-25 किलोमीटर घुसा हुआ है। अभी कौन निकालेगा उसे, पाकिस्तान तो निकाला, नेपाल तो निकाला, भारत निकाल लेगा। अब मोदी जी पता नहीं क्या करते हैं, झूला झूलते हैं जाके, भैया काम कर रखा उन्होंने, चाय बना ली, चाय पी ली, और दूसरा काम उनके पास होता नहीं, समझ गए नहीं।
ये मोदी जी का नारा है। अब लोगों ने हिटलर सरकार में हिटलर चला रखी, उन्होंने पार्टी हाईजैक कर रखी, कोई बोलने वाला नहीं उनके सामने। राजनाथ जी माने राजनाथ जी रक्षा मंत्री में सलामी दे गया ना मोदी जी, रक्षा मंत्री माला क्या अंदर उन्हें बाहर निकाल दिया, माला से बाहर निकाल दिया। अच्छा, आप उस वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं जो मंच से आया था, सबके सामने है ना। अब नितिन गडकरी जी कितना अच्छा काम करे देश के अंदर, कहाँ है साइलेंट करते उसको। कितना खूबसूरत है ये लोकतंत्र की कोई सपा समर्थक कह रहा है कि नितिन गडकरी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जो अच्छा करेगा मैं कहूँ करेगा, अच्छे को अच्छा कहूँगा, मैं अच्छे को अच्छा कहूँगा। वो दिन भूल गए जब हमारे छात्र जो लोग हैं वो विदेश में पढ़ रहे थे, वो फंस गए थे। कौन लाया था जी उन्हें, कौन लाया था बताओ, कौन मायावती लाई थी, ये कौन लाया था? मोदी जी के सहयोग से तो आए थे। मोदी जी नहीं लाए थे, झूठ है बात। सरकार बेशक किसी की हो, आप सुनो यहाँ पे थोड़े दिन पहले नगर पालिका का चुनाव हुआ सरसावा में, तो यहाँ पे जितने भी हमारे चेयरमैन साहब भी खड़े हैं, ये पूर्व चेयरमैन है, तो इन जिनका समर्थन कर रहे थे ये कि चेयरमैनी का टिकट बीजेपी से उनको होना चाहिए, उनको ना दे के दूसरे आदमी को ही दे दिया जो पुराने चेयरमैन थे, उनका विरोध था, सबने बीजेपी छोड़ दी। यहाँ बीजेपी का पता कितना बुरा हाल हुआ, तीसरे नंबर पे बीजेपी रही यहाँ पे चेयरमैन के चुनाव में। हमने बीजेपी छोड़ी नहीं, सुनो एक मिनट भाई साहब, हमने बीजेपी कभी छोड़ी नहीं, एक मिनट, हमने बीजेपी ना छोड़ी ना छोड़ेंगे, ध्यान रखियो। हमारा व्यक्तिगत था, व्यक्ति विशेष से बीजेपी पार्टी से, हम संघ के आदमी है, हम संघ के आदमी है। सुनो भाई साहब, हम संघ के आदमी, हमने बीजेपी छोड़ी नहीं थी ना छोड़ेंगे, व्यक्ति विशेष से था, हमने पहले भी कहा था। दूसरी बात ये है कि आज राजनाथ ने क्या कहा, हमें राजनाथ ने आज क्या कितनी बड़ी बात की, जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकर राणा है। शाकर राणा, शाकिर, हाँ शाकर राणा, शाकर राणा। मैं बजरंग दल से हूँ, हिंदू परिषद बजरंग दल से हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए आप, जितने जोर से। मैं बजरंग दल से हूँ, बजरंग दल से हूँ। जो भाई साहब बोल रहे हैं बहुत सच बोल रहे हैं। क्या ये भाई साहब ने जो भी चीजें बोली है, भाई साहब ने पीछे से सुना। एक मिनट, आप लोग आपस में मत लड़िए। भाई साहब ने क्या कहा सुना? अब 3 दिन पहले पंचायत हुई थी। एक मिनट रुको, 3 दिन पहले पंचायत थी। नहीं, अभी आप ये बताइए भाई साहब ने क्या कहा। भाई साहब मैं थोड़ा दूर से सुन रहा, थोड़ा सुना नहीं मेरे पास, लेकिन सुन क्या जरूर मुझे। भाई साहब की जय जय कार करी, मैं भाई साहब खड़े मेरे, ये झुकना नहीं चाहिए अकेले, ये 50 खड़े हैं तो हम एक अकेले खड़े हैं, 50 को घेर देंगे हम, पापा के रक्षक हैं, जान देकर पेंशन नहीं छोड़ने के हम अपने। ऐसा नहीं है, कोई नहीं गया, बस खाली गई, यो अकेले ही बैठ कर गया, बस मैं भी अकेले ही जा रहा। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे गांव में समाज के ऊपर कैथल में राजपूत समाज के ऊपर बीजेपी के जिला अध्यक्ष के द्वारा लाठी चार्ज किया गया, लाठी इसने भी खाई, अरे फिर बीजेपी को बोल रहा ये बीजेपी का आओ ये एक मिनट क्या। अच्छा, कांग्रेस वालों पे भी आते हैं, देखिए आप बहुत अच्छे नारे लगाते हैं, आपकी आवाज भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अरे एक मिनट बहुत अच्छी, मतलब अगर कभी वॉइस ओवर की जरूरत पड़ी मैं एकदम आपका नाम रिकमेंड करूंगी, लेकिन पहले बात कर ले, फिर आप खूब नारे लगाइएगा, अलग से रिकॉर्ड करवाएंगे आपका चैनल, ठीक है? नारों से वोट नहीं मिलती, जय श्री राम का नारा मिलना जानता, हम हिंदू है, हम तो इनका कट्टर हिंदू है, हम जय श्री राम का नारा इनका बढ़ावा कहा जा रहा है। पर जी बीजेपी की रैली हुई, मोदी आए थे हमारे गांव में, तो रायपुर में 4 आदमी गए थे, दिहाड़ी पे भी आदमी नहीं मिले हैं, बीजेपी वालों को दिहाड़ी पे भी नहीं मिले हैं आदमी। जैसे बस आ गई ये बस में उठा के ले गई ना, वोट गेम ने 70 आदमी नहीं मिले हैं बीजेपी वालों को। जैसे बस क्या है, राजनाथ सिंह आए थे आज, वहाँ कुर्सियां खाली पड़ी सारी लोगों ने। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, दूसरी पार्टियों के गुंडों को अपनी उसमें लेके साफ हो जा, सब की छवि साफ। अगर बीजेपी में नहीं है सब आरोप है, नहीं तो फिर सब पकड़े जाएंगे, वो वॉशिंग मशीन है, गंदे काम करे, बीजेपी मारेंगे, वो सब चीज धुल जा, स्वच्छ हो जा। आज की बसों की संख्या ने दिखा दिया कि इनकी बक्से में कितनी वोट है। जैसे बसों की सीटें खाली पड़ी थी ना, ऐसे इनके बक्से खाली होने वाले हैं।
मोदी मोदी भाई एक मिनट बेटे, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, टेक्निकल बात बताना चाहता हूँ। 2014 तक, 1947 से लेके 2014 तक हिंदुस्तान पे जो लोन था वो 51 लाख करोड़ का था। कितने सालों में? 70 सालों में। और आज 2014 से लेके 2024 तक अगर आप इंडिया के आर्थिक सर्वे का अध्ययन करें तो आज 10 साल के बीच में हिंदुस्तान पे 151 लाख करोड़ का कर्जा है। 10 साल में कितना कर्जा पड़ा हिंदुस्तान पर? 100 करोड़ का। और दूसरा मेरा ये शब्द कहना है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। ठीक है, बात बहुत बढ़िया है, हम लोगों को भी प्रभावित करती है कि बात बहुत बढ़िया है, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, लेकिन दुराही बात नहीं चलनी चाहिए। महाराष्ट्र में क्या हुआ? अजीत पवार पर कितना आरोप था, शिंदे पर कितना आरोप था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सरकारों को तोड़ने का पूरे बेटे तोड़ने का काम किया, तैसे उनकी पार्टी में आए, बीजेपी में, वो ईमानदारी के वॉशिंग मशीन में धुल के बिल्कुल पवित्र हो गए। मैडम, मैं राष्ट्रीय लोकदल से जिला उपाध्यक्ष, मैं पहले तो आपको बीजेपी के बारे में ही बताना चाहता हूँ। नहीं, पहले तो आरएलडी के बारे में, आरएलडी के बारे में बताता हूँ। जो हमें चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, हम मोदी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। अब बात सुन लो जी, आरएलडी की, आरएलडी का हमारा गठबंधन है, ये गठबंधन इतने मजबूती से काम कर रहा है। पहले एमपी साहब यहाँ से भाजपा 92,000 से जीती थी, और इस बार हमें स्पष्ट आदेश है जाट बिरादरी को और पूरे राष्ट्रीय लोकदल परिवार को, हम इस सीट को 1 लाख प्लस करने वाले हैं। और ये भाजपा की बात बता देता हूँ, जो ये कह रहे हैं विकास क्यों नहीं हुआ, आज सड़कें, हाईवे और सब कुछ। एक मैं आपको छोटी सी बात ग्रामीणों को बताना चाहता हूँ, पिछली सरकारों में जब हम खेत में रात को अपना ट्यूबवेल चालू करने जाते थे, मेढ़ा, पता है मेढ़ा क्या हो जी, गन्ने का, वो जब हिलता था ना, हमारे चप्पल कहीं पावे थे और जूते कहीं पावे थे और हम खेत घर पावे थे, इसमें मतलब दौड़ के, इतनी बड़ी दहशत थी। आज के टाइम में हमारी बहन बेटी, हम किसान रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे किसी भी टाइम आओ और जाओ, योगी जी ने यहाँ पे ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोई डर कोई भय हमारे दिल में नहीं है। इस बात पे मैडम एक लाइन ले लोगे क्या? जैसे बाबू जी कह रहे कि भाई कोई लूट नहीं रही, कोई डकैती नहीं रही, जब हमारी जेब में पैसा ही नहीं रहा तो डकैत सड़क पर खत्म हो गए, डकैती खत्म हो गए, जेब में चवन्नी नहीं रही क्या हमारी? अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी खेती खत्म होगी? मोदी जी ने हमारी खेती छीन ली क्या? हमारे रोजगार छीन लिए क्या? मैडम ये व्यक्तिगत बातें तो हमें पसंद नहीं आती, हकीकत में मोदी जी ने बहुत ज़्यादा काम किया, योगी जी ने उससे ज़्यादा काम किया। ठीक है, एक विशेष बिरादरी की बात मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर भारत में एक स्वर्ग की तरह उन्होंने काम किया और हम उनके साथ हैं, राष्ट्रीय लोकदल साथ है और भारी मतों से इसको जिताने की कोशिश करें। हम तो सभी लोग साथ हैं, कोई विरोधी नहीं है, कोई पक्ष नहीं, सब लोग साथ हैं। सपा हो, बसपा हो, टिकटों के वितरण को लेकर कुछ विरोधाभास है कहीं जगह, लेकिन सब लोग देश के वोट देंगे, रक्षा के नाम पे वोट देंगे, विकास के नाम पे वोट देंगे। आज हम जब घूम रहे थे सहारनपुर के इलाकों में, तो हमें बहुत सारे युवा ऐसे मिले जो बोलते देखे कि जो राजपूत समुदाय से आते हैं कि हम तो भाजपा से नाराज हैं, एक तो प्रदीप चौधरी के नाम पे, दूसरा पुरुषोत्तम रूपाला के नाम पे, तीसरा इनका कहना है कि इन्होंने हमारे समुदाय के लोगों को, क्षत्रिय समुदाय के लोगों को टिकट नहीं दी, तो महापंचायत भी ननौता में, कैसे टैकल करेंगे इसे? देखिए, सबको मनाने, सैनिक समाज जो पीछे से कह रहे हैं वो भी मनाने का काम चल रहा है, सैनिक समाज भी कहीं जगह कुछ है, कुछ कमियां हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उनको मनाने का काम कर रहे हैं, सब लोग मना रहे हैं। लास्ट का चुनाव है, देश का चुनाव है, देश के चुनाव पे वोट मांग रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से भी सभी देशवासियों से प्रार्थना करूंगा कि आपस में जातियों के बंटवारे में ना पड़े, इस देश को अगर ऊपर लेके जाना है तो सब लोग राष्ट्र के नाम पर कमल को वोट करें। अच्छा, राष्ट्र के नाम पर, हाँ, भले आपके जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ कोई काम होना हो। अभी तक इतने भाजपा वालों ने बात की, किसी ने हमें प्रदीप चौधरी का काम नहीं गिनाया कि भाई प्रदीप चौधरी ने पिछले 5 साल में ये अच्छा कर दिया है। नहीं, हाईवे बने जी, सड़कें बनी, हाईवे बने, हमारे इसी नगर के क्षेत्र में 2 हाईवे जो क्रॉस हुए हैं उनके ऊपर 2 पुल दिए हैं, अभी अभी 2 पुल,
दो पुल दिए हैं अभी इसी योजना में, प्रदीप चौधरी के द्वारा दिए गए, एक शाहजहाँपुर में और एक इब्राहिमपुरा में, और दोनों ऐसे हैं जिनसे कम से कम 50 गांव अटैच है और जिनके द्वारा बहुत से क्रॉसिंग और हाईवे की जो योजनाएं हैं वो पूरी हो रही है। अभी भी आसपास आप देख लो रिंगवे बन रहा है, शाहजहाँपुर में रिंग रोड बन रहा है, हाईवे के द्वारा बन रहा है, आसपास सारे रोड्स कंप्लीट हैं। तो ऐसी कोई उनकी तरफ से कोई कोताही नहीं है, प्रदीप जी की तरफ से या नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई भी किसी तरह का। ये प्रदीप चौधरी का पहला काम है और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे MP साहब ये प्रदेश को सौगात नहीं मिलती, हमारे जिले को मिली हुई है। एयरपोर्ट हमारे से 1 किलोमीटर आगे हमारे कस्बे में चालू होने वाला है, ये मैं कह रहा हूँ बड़े बड़ी राजधानी में नहीं होती इतनी बड़ी तरक्की। और यहाँ से हम दिल्ली गया, बॉम्बे गया, विदेश गया, मिनटों और सेकंडों में जाने का काम सांसद जी ने हमारे लिए कराया। दूसरी बात रही कि चाहे फ्लाइट चलेगी यहाँ से, सब कुछ चलेगी, यहाँ एयरपोर्ट है, पहले से ही एयरफोर्स बना हुआ है, अभी डोमेस्टिक पे चलेगा, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भी खुलेगा, अभी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म तो बना रहे हैं ना वो लोग, धीरे धीरे होगा। हाँ, दूसरी चीज ये कह रहे हैं चाइना 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 चाइना, आज से पहले अभिनंदन आया कोई निकाल के वहाँ से, अपने आप चल के आया अभिनंदन, बताओ किसी में ताकत थी कि आज से पहले हमारे जितने भी कतर से यहाँ पे शहीद स्मारक तोड़ा गया। नहीं 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 नहीं, पहले सुनो पहले सुनो पहले सुनो, हमारे सैनिक आ गए, देख लो 4 घंटे के लिए युद्ध रुका यूक्रेन का, उनका उरी का जवाब कभी आज से पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने दिलवाया? छाती ठोक के सीना तान के और दिन तय करके इलाज करके आए, उनका घर में घुस के मार के, वो आप समझ जाओ, वो आप समझ जाओ, वो आप समझ जाओ। मैडम मैं एक वो 300 किलो RDX कहाँ से आया? आज से पहले युद्ध भी हुए, युद्ध इंदिरा गांधी के टाइम पे हुए, युद्ध किसने जीते हुए? तब भी मोदी थे क्या? तब इंदिरा गांधी के टाइम पे युद्ध हुए ना, जब तो मोदी जी बच्चे थे, तब किसने युद्ध जीते? सब माया की देवी के आदमी है, माया की देवी के आदमी है। अभी से चुनाव के बाद यही लोग कहेंगे खा गई खा गई खा गई, अभी यही लोग कहेंगे। नरेंद्र चंद गुरु जी कह रहे थे कि मायावती ने किसान के लिए ऐसा किया ऐसा किया, मैं कह रहा जो अभी गुरु जी बता रहे थे, हमारी 17 मिले इन्होंने बेची, किसने बेचने का काम किया? किसने? और जब मिले बिक गई गन्ना खेत में खड़ा रहेगा, उसके जिम्मेदार कौन थे? मायावती। और सुनो, अभी कह रहे थे ना ये किसान गरीब कर दिया, किसान गरीब नहीं करा, किसान का विकास हुआ। जब मायावती सरकार थी तो किसानों का इतना भारी पैसा मिलों पर था कि उन्हें चुकाना नहीं दिया, और मायावती ने फिर क्या किया, वो मिले बेचनी पड़ी। क्यों बेची उसने मायावती ने? क्योंकि उनके अंदर खोट था, इसलिए किसान का विकास नहीं करा, किसान का विनाश करा, उन्हें अपना किसान को सड़कों पे, किसान को सबसे लंबे टाइम तक सड़कों पे लाने वाली मोदी सरकार। अभी भैया भी बता रहे थे, कहने के जेब में पैसा नहीं, गरीब कर दिए, ये मोटरसाइकिल जिस पे पहले साइकिल थी आज उस पे कार है, कहाँ से पैसा आ रहा वो? मैडम एक मिनट, उस पक्ष देखिए, आपने इतनी बात रखी उस पक्ष का सुना, एक सेकंड में बात करना चाहता हूँ कि भैया ने कहा ना कि हमें हमारे भारत से गए हुए लोगों को वापस बुलाया गया, ये परिस्थिति बनी क्यों? हमारे देश के बच्चे या हमारे भारत के बच्चे बाहर जा क्यों रहे हैं? वही स्थिति क्यों पैदा हो रही है कि हमारे देश में यहाँ से जो महंगी है ना, जो यहाँ पे एजुकेशन महंगी है, कौन पप्पू के टाइम में तो यहाँ पे वाली महंगी बात थी, आप पप्पू यहाँ पे जो मेडिसिन की मार्केट है वो है, एजुकेशन है बाहर यहाँ से आधे पैसों में होती है, इसलिए बच्चा वहाँ से बाहर से पढ़ने के लिए जाता है। आप यहाँ पे एजुकेशन का आधी क्यों नहीं करते, यहीं बच्चा रुकेगा? आप एक बात थोड़ा, अरे सुनो एक बात, आपके यहाँ से बच्चा जो अमरीका पढ़ने गया, कौन सा बच्चा वापिस आया? वो वहीं का वहीं रह गया। हमने बच्चे बाहर के लिए थोड़ा करे, अपने लिए करे, आप एजुकेशन यहाँ करो, यहाँ पढ़ेंगे यहीं रहेंगे वो लोग। आप कांग्रेस है? एक मिनट, सुनिए, आप लोग ऐसे चीखेंगे तो समझ ही नहीं आएगा, एक एक करके सबको मौका दे रहे हैं। आप बस ये बता दीजिए, आप सपा से हैं, कांग्रेस से, तो ये स्पष्ट करते जाइए ताकि। मेरा नाम अरविंद बंसल है, मैं कांग्रेस का नगर अध्यक्ष हूँ सरसार से। अच्छा, जी पूछिए आप। पूर्ण, आप कुछ कहना चाह रहे? मैं चौधरी वीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी 1990 से हूँ, और मैं बहुत कार्य करता रहा हूँ पदों पर, और ये मैं इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी 2014 से पहले किसान को जब उनकी सब वो ली जाती थी, ज़मीनें ली जाती थी, किसान की ज़मीन जब ली जाती थी, मात्र हमें उसका सर के लेट का 10% मिलता था। मोदी जी की सरकार आने के बाद वही हमें 4 गुना मिलता सर के लेट का। अगर सुनो
ये हमें किसी ने दिया नहीं 2014 से पहले किसी पार्टी ने दिया, ये कैसे रहो इन कोई फायदा नहीं बात से। 2014 के बाद हमें, हम किसान हैं, हमें 2014 के बाद जो है मतलब 4 गुना मिला सर्किल रेट का, दे देगा कोई? वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे देश के प्रधान, दूसरे देश के में जो है जाने की परमिशन नहीं थी, मिलती नहीं थी। आज क्या है, दूसरे देश के बुलाते हैं, नोता देते हैं और पैर तक छूते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी हिंदुस्तान के लिए? इतनी बड़ी उपलब्धि कौन दे रहा? सिर्फ मोदी जी दे रहे हैं, और मोदी है तो सब कुछ है। ये मान लो मोदी जो भी कर दिया वो फाइनल है और होगा, मोदी फाइनल। ये जिस मेरे भाई जिस मायावती जी की बात, मैं पार्टी बीजेपी, नाम आपका कमल किशोर, बताइए कमल, कमल कोई डिफेंड करेगा? मैं मायावती जी को अंदर तक जानता हूँ, ये जितने मेरे साथी खड़े ना, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है जो मिलने, सुनो सुनो, मायावती से किसी की भी हिम्मत नहीं जो मिलने। मुसाफा है 1 लाख रुपए का मिलने का, जो अपने कार्यकर्ता से नहीं मिल सकती। अगर इनमें से कोई मिलने देखो तो कल को दिखा दो मिल के जाके। और सुनो, और अब दूसरी बात, हमारे नेता बूथ स्तर से बने हुए हैं, बूथ स्तर से, और बूथ स्तर से जा रहे हैं तो उन्हें पता रहता है अपनी कार्यकर्ता की हैसियत। और महिला कितनी सुरक्षित हुई है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। नहीं, लेकिन मैं तो उन महिलाओं का भी हाल देख रही हूँ जो ये बात कह रहे हैं कि मणिपुर में क्या हुआ, वो वायरल वीडियो देश ने देखा, देश के पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे, उन लड़कियों ने खेलना छोड़ दिया, तो वो भी महिलाएं। तो देखिए, एक तरफा बात तो मैं भी नहीं सपोर्ट कर सकती, इन पे भी नहीं कर, मतलब इनको भी मैं नहीं करने दूंगी। तो अगर उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हुई है, रात में निकल पा रही हैं, ये बात अच्छी है, लेकिन पूरे देश में ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ बहुत न्याय हो रहा है ना। बताइए, ये जितने लोग बोल रहे हैं ना, मैं इन्हें समझा दूं, हर चंदन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज बार बार कह रहे हैं महिलाओं के साथ ये, महिलाओं का सशक्तिकरण कहाँ नहीं हुआ? हमारी महामहिम राष्ट्रपति कौन है? हैं? दूसरा, अगर ये बोलते हैं कि वो हमारी जो स्पोर्ट्स हमारी महिलाएं बहनें थी, वहां से ब्रजभूषण सिंह का टिकट काटने का भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं करा, तो नहीं करा हो तो। लेकिन अगर हर घर में, तो एक माप भी अपने पूरे घर का पहरा नहीं दे सकता। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ तो बाबा का बुलडोजर है, उसी दिन, अगला दिन तो लगता ही नहीं, उसी दिन उसका इलाज होने का काम। ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। मैडम, ये सब लोग, ये कुछ जो हमारे विपक्षी लोग हैं, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि प्रदीप चौधरी ने काम नहीं किया। मैं इनसे पूछा क्या काम नहीं किया, वन का एक बात, दूसरी बात, महिला एक सेकंड, दूसरी स्थिति है महिला के लिए, एक भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने महिला का आरक्षण किया, आप नीचे से लेके ऊपर तक आज जो भागे जा रही भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये भाई इनकी सुन लो, मेरी बात में सुन लो, इतना ताला बंदा करो यार, इतना था। और ये जो भी पार्टी इस देश में राज करेगी, वो पार्टी राज करेगी जिससे गरीब से लेके अमीर तक उसे वोट देगा, वही सत्ता में जाएगी। एक बिरादरी के ऊपर, एक जाति के ऊपर कोई भी राजनीति। इन्होंने अभी विकास की बात करी, मेरे मित्र ने, मैं विकास के बारे में आपको बता रहा हूँ। जो सरकारें बैठती हैं वो काम तो करती हैं। जब 100 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो चुका हिंदुस्तान पर, भारत के प्रत्येक नागरिक पर 1.5 लाख रुपए का लोन हो गया, तो पैसा तो कहीं ना कहीं लगना ही है। और जहाँ तक बहन जी की चर्चा इन्होंने की, बहन जी केवल अपने कार्यकर्ता के आधार पर, उनके धनराशि के आधार पर अपनी सरकार चलाती है, अपनी टीम चलाती है। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी चंदे की चर्चा आई है, और चंदे में सबसे ज़्यादा चर्चा बीजेपी के लिए 7500 करोड़ रुपये उनके खाते में आई हैं, और बहन जी का कहीं नाम नहीं आया। ये कह रहा ना, वे बात नहीं करेंगे बीजेपी वालों से। एक सवाल है, 400 पार सीटों की संख्या है या ये पेट्रोल का रेट है? बस ये थोड़ा सा इनसे पूछ लियो जब इनके पास माइक जावे। और मैडम, हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, केराना से, और 21 राज्यों को क्षत्रिय विहीन कर दिया है बीजेपी ने, और हम इसे देश से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये हमारी शपथ है, राजा रामचंद्र की शपथ लेकर आए हम नरोत्तम महाकुंभ से, और हम उसे उखाड़ कर फेंक देंगे। ये बात
बीजेपी वाला समझ ले रहा है। विकास के ऊपर मैम ये बोल रहे हैं कि विकास हुआ है यहाँ पे नगुड़ विधानसभा में, एमएलए की कहना कि ये नगुड़ विधानसभा है, यहाँ पे लगभग लगभग 12,000 वोट हैं, 12,500 राजपूतों की, 12 गांव ठाकुरों के हैं यहाँ पे, एक भी गांव में एक काला पत्थर चौधरी जी का, सांसद साहब का एक भी काला पत्थर लगा हो तो दिखा दे। फिर आप चलिए क्या नाम गंगो विधानसभा में, वहाँ लगभग लगभग 29,000 वोट हैं राजपूतों की, एक भी गाँव में आप सिंगल पत्थर, सड़क, कोई नाली, कोई खड़ुंजा, कुछ भी चीज़ दिखा दीजिए, मैं ये जो बोलेंगे मैं वो कर दूंगा। ये विकास की बात कर रहे हैं लोग, एक परसेंट भी लोकल में कोई विकास नहीं है, 1% भी। मैडम नमस्कार, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला संयोजक हूँ स्वच्छ भारत मिशन का। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए जहाँ जहाँ भी उनको सांसद जी को समस्या बताई गई कि भाई यहाँ ये समस्या है या नाला है या कोई सड़क है कुछ इस तरह का है, तो उन्होंने रेकमेंड कर दिया, वो हुए भी हैं। और सारी दुनिया जानती है जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, इतना आज तक मैं तो नहीं मानता किसी सरकार ने किया। दुनिया भर के हाईवेज, गांव गांव में टंकियां लग रही हैं पानी की, शुद्ध बिजली, सड़क और पानी, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बिजली, सड़क और पानी, हमारी सरकार ने इतना काम किया है, इतना काम किया है, इतनी योजनाएँ दी हैं। आप देखिए कि गरीब आदमी मर जाता था 50,000 की वजह से, 50,000 का इलाज नहीं करवा पाता गरीब आदमी, आज गरीब आदमी 5,00,000 तक का इलाज कराता है। आप देखिए मर जाते थे लोग, आयुष्मान कार्ड में ना पता कितना बड़ा घपला है, आयुष्मान कार्ड में एक ही नंबर कम से कम 10,000 मतलब कि आईडियो में यूज किया गया है, एक ही नंबर। आपको तो पता ज्यादा होंगे उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा, जिसके कम होंगे, अरे जिनका जिसका ज्यादा है उनका तो काटना चाहिए ना, इनका सब समान काटना चाहिए, अरे आधार कार्ड, राशन कार्ड सब ये काटना चाहिए ना जिनके, ये क्या कर रही है, हम दो कर रहे हैं, और कौन करेगा इस पर काम, बीजेपी वाले कर रहे काम, कुछ भी नहीं कर। एक मिनट भाई साहब, अभी ये चेयर, एक मिनट रुक जो, ये चेयरमैन साहब अभी खड़े यहाँ से, भाजपा का बड़ा गुणगान कर रहे थे, अभी ये यहाँ से चेयरमैन बने, इन्हें टिकट नहीं मिला था भाजपा है, निर्दलीय चुनाव लड़े फिर अब बीजेपी वालों ने बड़े मरड़ा लिए मजबूरी में, बीजेपी तो डर लगा है ना, हमें लगता बीजेपी डर, इन्हें डर लगा है, बीजेपी में लगे क्यों लगे, चेयरमैन साहब पूछो ना बजा क्यों लगे, बीजेपी वाले अच्छे लगे होंगे तभी तो रले। नहीं नहीं, बीजेपी ने मजबूर किया, बीजेपी ने मजबूर किया चेयरमैन साहब को, ईमानदार आदमी है, और निर्दलीय था जो निर्दलीय चुनाव जीत जाना वो बीजेपी का हो जाए, बीजेपी उन्हीं से जवाब ले 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 ले। ऐसा है, हम निर्दलीय चुनाव जीते थे ये सही कह रहे हैं, ठीक है, अपनी परिस्थितियां, स्थिति और समाज, और उसमें टिकट तो एक ही आदमी को होगा, जो विरोध है कि प्रदीप चौधरी को टिकट क्यों हुआ, ये हमारे ही है, ये हम जो है ना दो जिस्म होते हैं ना, जान एक ही है, ये हमारे भाई सबको मिलाने। बताइए आपको अंतरात्मा की आवाज आई, आप क्यों भाजपा में शामिल हुए? अंतरात्मा ये है कि मोदी जी देश हित में काम कर रहे हैं, जाति धर्म सबसे ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, और जो 15,00,000 वाली बात आप कह रही ना मैडम, मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रहे हैं, नहीं आपने भी क्वेश्चन किया था कि 15,00,000 का वादा, वो उनका सवाल था, तो मैंने भाजपा का मकान 2,50,000 रुपए, आयुष्मान 5,00,000 रुपए डायरेक्ट किसी को कोई नहीं देता, 7,50,000, हाँ 7,50,000 हो गए, उसके बाद गैस सिलेंडर, लेकिन मकान सबको नहीं मिला ना, सबको मिलेगा, सब्र करिए, अभी सुनो, तनख्वाह आपको एक साल में एक ही बार मिल जाती है क्या, एक महीने में मिलेगी ना, तो साल भर का जो कोटा है वो 12 महीने में पूरा होगा, धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मकान मिलेगा, ये वादा है, मोदी जी ने संकल्प लिया है, कोई कच्चा घर वाला नहीं रहेगा, और ये गरीब का, ये गरीब की पीड़ा है मैडम, न कि किसी व्यक्ति विशेष की पीड़ा है, और 15,00,000 नहीं 25,00,000 का वादा हम कर रहे हैं, 25,00,000 तक प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा मोदी जी की तरफ से, और हाँ 15,00,000 के बाद 25,00,000 और मिलेगा, ये तो मोदी जी भी वादा नहीं कर रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने, और जो मेरे भाई विरोध कर रहे हैं ना, इनका व्यक्तिगत विरोध है, और ये ठीक हो जाएगा, जब शादी होती है ना तो मामा फूफा मौसी फलाना दिखला सब नाराज रहते हैं, जब बारात में ढोला बैठेगा ना सब सेट हो जाएंगे, और मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी चलता रहेगा, 400 का नारा जो हमारा है वो पूरा होगा, और हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलेंगे, विकसित भारत बनाएंगे 2027। अच्छा एक सवाल है, संसद में कितने मुस्लिम सांसद है भाजपा की ओर से? हम मुस्लिम का सहयोग करेंगे, इस पर टिप्पणी मत करो, कोई भी जो हमें वोट देगा हम आगे वादा करेंगे उनको वोट से टिकट, लेकिन कितने सांसद हैं? क्योंकि सवाल यही होता है ना, जब भाजपा वादा करती है सबका साथ सबका विकास, पर बाकी तो नतारा दिखते खुल के आएंगे,
तो टिकट भी दिया जाएगा और सम्मान भी दिया जा रहा है। हमारे इसरार भाई हैं, इनको कह रहा हूँ आए। शाहनवाज खान को बिहार से हमने एमपी भी बनाया, सेंटर में मिनिस्टर भी बनाया, ठीक है। दूसरी बात, मैं ये राजपूत भाइयों को एक जवाब दे दूँ, ये काला पत्थर कर रहे थे, ये हमारे क्षेत्र का जो राजपूत गाँव है कुंडी रायपुर बहुल है, बहुल बहुत, और इनको हमारे माननीय विधायक जी ने नकुड़ हाईवे से लेके रोहाड़ा चलता था जो बंद पड़ा था 20 साल से, उसको नया रास्ता विद सीसी बना के देने का काम करा, और सब इन सब लोगों ने उद्घाटन करा हमारे साथ वहां खड़े होके। नहीं, उसका उद्घाटन हुआ है, और वो रोहाड़ा नहीं दिया हो तो चैलेंज है, साबित कर दें इस बात को। अभी मुश्किल वो अभी जो बात बोल रहे हैं उसके बारे में मैं बता रहा, जो आप ये कह रहे हैं सीसी को तो छोड़ दो, अगर सरसावे से सहारनपुर हाईवे पर चलेगा इतना तो डॉक्टर का जाना पड़ेगा पहले, नुक देगी इतना बुरा। आप उसकी बात करो रायपुर कुंडी को भगवान कायमपुर से कनेक्ट करा नहीं करा। मैडम सीसी को तो छोड़ दो, आप रायपुर कुंडी और कायमपुर को ये बताओ कनेक्ट करा नहीं करा। मैडम एक मिनट, सर कौन बनावेगा जब सरकार में ये बैठे, ये क्यों कह रहे विधायक जी ने काम नहीं करा? हम तो कह रहे विधायक जी ने काम नहीं करा, काम आपका कराया, सबसे बड़ा काम आपका कराया, सोंदेबास का पुल विधायक जी ने स्वीकृत कराया, तेजार जो पिछले 40 वर्षों से अटका पड़ा था, सर साहब ऐसे सहारनपुर चले जाओ पहले डॉक्टर का जाना पड़ेगा, इतने खड्डे लगेंगे, सिर जाएगा लगेगा, इतने विरोध के बाद ही ऐसा हुआ या उससे पहले भी सड़कें ऐसी थी? देखो मोदी जी ने काम तो बहुत किया, अच्छा किया काम, देश के लिए देश बहुत बढ़ाया, परंतु इन्होंने मध्य वर्ग के लिए कभी नहीं सोचा कुछ भी। मध्य वर्ग इतने परेशान है कुछ कहने के, गरीब को तो अनाज फ्री दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, जो स्वर्ण जाति वाले हैं जो वही मध्य वर्गीय, उनकी हालत इतनी खराब हो गई बीजेपी की सरकार में कि कुछ कहने की हद नहीं। यदि ये इसके ऊपर सोचे, यदि बीजेपी वाले इसके ऊपर सोचे, मोदी जी काम बहुत कर रहे हैं, देश का सम्मान भी बहुत हो रहा है, विकास भी बहुत हो रहा है, परंतु क्या क्या स्वर्ण जाति में या मध्य वर्ग उनके लिए है ही कुछ नहीं, शिक्षा के ऊपर 18% और एक बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं बहुत ज्यादा। इन दो चीजों के ऊपर यदि विचार करें, यदि इन दो चीजों के ऊपर विचार करें तो बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। किराना के मुद्दों की चर्चा कर लें। मैडम किराना मुद्दे की चर्चा करेंगे, सरसावा नगर से हम सरसावा नगर वासी खड़े हैं सब, यहाँ से अगर आप रात को सहारनपुर से लेट हो जाते हो 10 बज जाएंगे आपको, तो आपको एक रोडवेज बस वाला बस में नहीं बिठाएगा, वो कहेगा इस बस सरसावा नहीं जाएगी, वो बस में नहीं बिठाएगा आपको। यहाँ से यमुनानगर जाना हो, आप स्टैंड पे खड़े हो जाओ और बारिश हो रही हो तो आपके पास खड़े होने की जगह नहीं है। यहाँ हुकम सिंह रहे किराना से सांसद, मुकेश चौधरी रहे, धर्म सिंह सैनी रहे भाजपा से, सब भाजपा से रहे, पर यहाँ पे कोई विकास नहीं। झंडा चौक पे आ जाओ, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई शौचालय नहीं है, ये यहाँ का विकास है हमारे किराना सेट का, सरसावा नगर का। बहुत वक्त दे दिया, अब दूसरों को भी भैया बता रहे थे कि झंडा चौक पे कोई जल की व्यवस्था नहीं पीने की, अभी अभी आप मौके के अनुसार जाओ, मौके पर जाके देखो वहाँ कूलर फ्रिज रखा, ठंडा पानी के लिए वाटर कूलर रखा, ये सब झूठी बातें हैं विपक्ष है। और हमारे पक्ष वाले बताइए क्या क्या उपलब्धियां है, हमारे नाबालिग बच्चा है इसको ज्यादा जानकारी नहीं है, वाटर कूलर बिल्कुल इसकी दुकान के सामने रखा हुआ है, इसकी दुकान में उपलब्धि कुछ नहीं हुई। यहाँ कैराना के मुद्दों की बात हो रही है ना, सत्ता पक्ष वाले उपलब्धियां के नाते क्या काम हुआ 5 साल में? प्रदीप चौधरी की 5 बड़ी उपलब्धियां जो कैराना के लिए किया, नगर के लिए या पुराने आपके इस क्षेत्र के लिए? एक हमारे सुनो, हमारा शाहजहांपुर रेलवे का पुल काम चला तैयार हो, एक हमारा सोंदेबास वाला पुल सांसद जी के नेतृत्व में, एक पिलखनी अड्डा खेड़ी पुल बनकर तैयार हो गया, हमारा एक एयरपोर्ट, बताओ पुल है कि बताओ? नहीं पांच ही है, पांच पुल है ना? नहीं देखो अब बताना तो पड़ेगा ना कौन कौन से एरिया में काम चल रहा, हमारा ब्राह्मी वाला पुल उस पर निर्माण कार्य चल रहा, वो भी उपलब्धि है, 5 उपलब्धि हमको गुणवा दी। और रही नगर की बात, नगर में विकास होता है नगर पालिका द्वारा, जितनी भी निधि आती है सांसद जी की वो सब ब्याज में लगती है, क्योंकि नगर पालिका अपनी निधि होती है, उससे विकास कार्य हमारे यहाँ चलता है। पिछले जो 5 साल है उसमें कोरोना काल भी निकला है ना, 2.5 साल तो उसमें चले गए, वो तो पूरे देश के साथ है, वो कोई अलग तो है नहीं,
ये जो उपलब्धियां है बनाई थी हेल्थ सेक्टर, तो आपका ऊपर से नीचे सहारनपुर में सांसद जी खुद एक एक हॉस्पिटल में और राजकीय मेडिकल कॉलेज में खुद उपस्थित रहे, बल्कि वो खुद कोविड से पीड़ित थे, उनकी पूरी फैमिली पीड़ित थी, लेकिन फिर भी वो एक्टिव रहे सारे काम के लिए और 2.5 साल विकास के लिए मिले। भाई साहब ने 5-6 पुल तो आपको यही गिनवा दिए और हाईवे सारे आप जिस दिन कहो दिखवा देंगे आपको। मैं ये कह रहा हूँ अंकल जी का एकमात्र बड़े बेटे का सिमदान आया, अभी फोन लगा के बताएं कि 5 साल में कितनी बार उनके यहाँ चले गए। जो भाई साहब कह रहे थे अभी राजपूत राष्ट्र भक्त है, देश भक्त है, तो वे 2 लाख कौन थे 2 दिन पहले 7 तारीख को नौते में जो बीजेपी से नाराज लोग थे, कसम खाई गई वहाँ राजा रामचंद्र की, क्योंकि बीजेपी को वोट नहीं देगा। वे नाराज इसलिए थे, ये कोर वोट था राजपूत ने जब वोट दिया भाजपा को, जब इनका कोई थेला पकड़ने वाला नहीं था मैडम, जब इनकी 5-5 वोट बूथ पर निकलती थी तब राजपूत इनके साथ खड़ा था। आज इन्होंने हमें ही सत्ता से बाहर कर दिया। वे खड़े राजनाथ सिंह जी माला से बाहर, योगी जी का फोटो नहीं है मेरठ, उसमें मेरठ की सभा में, ये ऐसे हालात हो रहे हैं। अगला नंबर योगी जी का ना हो, योगी जी को ना हटाया जाए, इसलिए हमें अब विरोध में है योगी जी के साथ। योगी जी को बचाने के लिए कितना खूबसूरत है, देखिए ये जो भाजपा के विरोधी है ये इस बात को लेकर चिंतित है कि भाजपा पार्टी से आने वाले मुख्यमंत्री को ना हटा दिया जाए, ये एक और खूबसूरती है। इसी बात पर ताली बजा दीजिए, आप ही का ही देश है, आप ही का ही लोकतंत्र है। आज देखिए ये चीज चल रही है बहुत ज्यादा, और यहाँ से तो वैसे ही भाजपा करीबन 2 लाख वोटों से हार के जा रही है कैराना सीट से हमारे। अच्छा। उसी कारण योगी आदित्यनाथ जी के कारण ही, योगी आदित्यनाथ जी का इलाज करना है, नहीं अगला मतलब कि जितने भी योगी आदित्यनाथ जी के करीबी सांसद हैं नेता हैं, इसलिए चुनाव आ रहे हैं। अगर कैंडिडेट कश्यप होता, सैनी होता है, जैन सैन समाज खड़ा, जैनी भी होते, अजीत भी साथ में थे, सिर्फ गुज्जर कैंडिडेट है, इस वजह है कजा 2 लाख वोट से। मैं आपके पास ही हूँ जी, मैं तो विश्वजीत सिंह नाम है जी। मैंने फैक्ट्री लगा रखी जी रेसिपीज की, बेकरी की दुकान रखी कुतुबपुर में जी। कुतुबपुर में? हाँ जी। अच्छा, बेकरी की फैक्ट्री लगा रखी। कहाँ तक की पढ़ाई करी आपने? पढ़ाई नहीं करी जी, मैंने 12वीं तक की। 12वीं की रखी जी। कहाँ से करी 12वीं? यही से करी जी, डिसीजन से। तो आप अपनी पहचान कैसे बताते हैं कि मैं राजपूत समुदाय से आने वाला विश्वजीत हूँ, या आप बताते हैं कि मैं विश्वजीत हूँ? मैं तो विश्वजीत ही बता रहा था जी पहले, पर राजपूत बताना इनके कारनामों से बताना पड़ गया। जब हमने कोई सांसद यहाँ से जिताया तो सर समाज ने जिताया था यहाँ से, क्या भला हो जाएगा अगर आपकी जाति का सांसद बन जाए राजपूत समाज का, ऐसा क्या भला हो जाएगा? अपनी जाति का नहीं, अपनी जाति का नहीं कह रहे हम, सांसद हमारी जाति का बन जा, सांसद किसी भी जाति का बन जा, लेकिन वो सर समाज की बात करने वाला हो, जिस जाति का बन जाए उस जाति की बात करने वाला ना हो, क्योंकि उसे वोट सब जाति देती है, वो अकेली गुज्जर समाज ने, गुज्जर समाज ने वोट देगा, सांसद नहीं बनाया। वो मोदी की गारंटी और चाइना का समान बराबर है, मोदी की गारंटी और चाइना का समान बराबर है। एक पीड़ा और बता दूं, इनके राज में शिक्षा का इतना बुरा हाल कर दिया, प्रिंसिपल के पास जाओ कि किताबें लेनी पड़ेंगी आपको कहाँ से, स्कूल से, ड्रेस लेनी पड़ेगी स्कूल से, और सर एजुकेशन बाहर ट्यूशन से मिलेगी, किताबें यहाँ से लो प्राइवेट, और प्राइवेट स्कूल का इन्होंने तो वो हाल कर दिया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली बस दुकान में ही मिल जाएगा। आखिरी टिप्पणी लूंगी, बोलिए। पूरे भारत में मोदी की लहर है और बसपा का तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोड़े पूरे प्रदेश में कोई अस्तित्व है ही नहीं। और रही बात समाजवादी की पार्टी की, जो समय अभी हो रहा है 9 बज गए हैं, 7 बजे के बाद समाजवादी सरकार में चौके थाने बंद हो जाते थे, ताले लग जाते थे, और जिस स्थिति में आज आप यहाँ पे खड़े हो उस स्थिति में मैं तो मानता हूँ कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोड़े पूरे प्रदेश में कोई महिला घर से बाहर निकलने की इच्छा रखती होगी। स्कूल जाने में असमर्थ थी, स्कूल जाती बाद में थी, घर वालों को चिंता पहले होती, बेटे की छुट्टी हो गई कौन लेने जाएगा। सुरक्षा की बात ये है कि मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में गुंडा राज बिल्कुल समाप्त हो गया है, और उसका जीता जाता सबूत आप यहाँ पे खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में महिला की स्थिति आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, जितने सब लोग यहाँ खड़े हैं, ये कोई भी आप अपनी इच्छा इस तरह बता दें, ये सब मेरे भाई रायपुर गाँव के हैं, ये खुद ही बता दें, 7 बजे के बाद गाँव में कोई नहीं जाता था। ये जो अलग अलग जातियों की रैली हो रही है, अलग अलग जातियों के लोग अपना बात रख रहे हैं या पक्ष रख रहे हैं, ये कितना वोट शेयर में, वोट परसेंटेज में फर्क डालेगा ये वही बताएंगे। हम तो बस इतना बता सकते हैं कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक परिवार में भी सब अलग अलग पार्टी के समझने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले रहें, और
जितनी ठंडक के साथ इन लोगों ने हमसे ऑफ कैमरा बात की थी, इतनी ठंडक के साथ ये लोग बात करते रहे, आपस में इतने ही मिल बांट करें, बाकी कैमरे के आगे चाहे लड़ लें, चाहे एक दूसरे को भूलने ना दें, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि इस देश में अमन चैन शांति बनी रहे। आपको कैराना लोकसभा सीट का समीकरण हमने शुरुआत में बता दिया था। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी थे, मैं सोनल हूँ। अब इनमें से किसकी बातचीत आपको ज़्यादा बेहतर लगी, किसकी बात से आप सहमत हैं असहमत हैं, ये सब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए ललन टॉक। शुक्रिया।